हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर की में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ रूल फोर्थ पर बेस्ड था उस पर एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। रूल फिफ्थ पर बेस्ड था। तो रूल फिफ्थ का एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, रूल फिफ्थ क्या था? रूल फिफ्थ था हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल हो किस टाइप का, एफ टू दी पावर एन साइन ए एक्स और एफ ऑफ टी, यह पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ टू और एन कॉस ए एक्स एफ ऑफ टी। इस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं e टू दी पावर आई ए एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू दी पावर एन का। फिर क्या करते हैं अगर स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का है, देखो इसी को एक्सप्लेन कर दो, इक्वल टू ये क्या है, ये है हमारे पास में कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू और एन। अब स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू और एन कॉस ए एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू पावर एन साइन ए एक्स इंटू आई। तो देखो अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का है तो ये रियल पार्ट हो गया, और इंटीग्रेशन अगर इस टाइप का है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये इमेजिनरी पार्ट किसका है बैक चलेना है। देखिए अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का है तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, इसका ही तो ये इमेजिनरी पार्ट है, e टू द पावर आई ए एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ टी एक्स और एन। और इंटीग्रेशन अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का है तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ ई टू दावर आई एक्स ई टू दावर है आई टू दावर वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू दावर है। तो ये मैंने यहां भी पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू दावर एन कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको क्या लिख दूं, ये लिख दूं पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ई टू दावर आई ए एक्स, इसे इधर लिख लिया। ये किस क्यों लिख लिया ऐसा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हो गया, ये फोर्थ टाइप रूल फोर्थ पर बेस्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से, डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए से। ए क्या है तो हमारे पास यहां पर रिप्लेस करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं जब इस प्रकार से होता है
फोर्थ टाइम में अपॉन एफ ऑफ टी, और ये फाई ऑफ एक्स ही हमारे पास में एक्स द्वारा एन होता था। तो स्टूडेंट्स देखें कि पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर इस टाइप का है तो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इट इज आर आई एक्स वन अपॉन एफ ऑफ डी एंड एक्स टू आवर एन का। अगर इंटीग्रेशन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इस टाइप का है तो रियल पार्ट हो जाएगा इसका। तो देखिए ऑरिजिनरी इक्वेशन इज, ऑरिजिनरी इक्वेशन फाइंड आउट करते समय डी के स्थान पर एम पुट कर देते हैं एफ ऑफ डी में, ये वाला पार्ट एफ ऑफ डी है, एम फोर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन और इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। ये क्या है, एम स्क्वायर प्लस वन टू द होल पावर टू इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर प्लस वन और एम स्क्वायर प्लस वन कैन बी रिटेन फॉर दिस। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है तो एट लीस्ट वन या बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, तो एम स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस वन और एम स्क्वायर इजिकल टू माइनस वन, एम इजिकल टू प्लस माइनस आई और एम इजिकल टू प्लस माइनस आई। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए दो इमेजिनरी रूट्स भी आइडेंटिकल आ गए। अब अगर दो रूट्स आइडेंटिकल हैं जैसे एम वन और एम टू एम है तो सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर एम एक्स लिखते थे, और यहां पर हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट में तो देखो, और अगर डिस्टिंक्ट होते थे रूल जैसे एम थ्री डिस्टिंक्ट है, जैसे एम वन एम टू एम थ्री ये डिस्टिंक्ट रूट था तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था एम वन ई टू द पावर सॉरी सी वन इंटू ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स। ये तो यहाँ पर हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए वैसे क्या होता था, अगर अल्फा प्लस आई बीटा होता था तो ई टू द पावर आई अल्फा सी वन कॉस बीटा प्लस सी टू बीटा एक्स प्लस साइन सी टू साइन बीटा एक्स, ये होगा। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में इमेजिनरी रूट्स भी इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा सी वन को रिप्लेस कर दिया जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स और कॉस बीटा एक्स एज इट इज रहेगा प्लस इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन बीटा एक्स, ये हो जाएगा। यहां पर अल्फा एक्स है स्टूडेंट्स, अल्फा अल्फा इज रियल पार्ट, रियल पार्ट इसमें भी जीरो है और रियल पार्ट इसमें भी जीरो है, तो ई टू द पावर जीरो एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस बीटा एक्स, बीटा इज कोफिशियंट ऑफ आई, ये वन है, वन एक्स को सिंपली एक्स लिखेंगे प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन वन एक्स को एक्स लिखेंगे। ये ई टू बार कुछ भी क्या हो जाएगा, ई टू बार जीरो वन हो जाएगा, तो ये सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री
फंक्शन निकल करके आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे देखिए, एक्सप्लेन करता चलूँगा मैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है पी ऑफ एक्स वन अपॉन एफ ऑफ डी, वन अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ दिस इज एफ ऑफ डी डी फोर प्लस टू डी स्क्वायर प्लस वन ये होगा एफ डी, और पी ऑफ एक्स ये वाला पार्ट पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखें स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हमारे पास में किस तरीके के पर्टिकुलर इंटीग्रल से मैच कर रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप। इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट लेंगे इसका ई टू द पावर आई ए एक्स। जब हमारे पास में कॉस ए एक्स था तो ई टू द पावर आई ए एक्स, क्यों ई टू द पावर आई ए एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स होता। अब हमारे पास में यहां पर कॉस एक्स है तो e टू द पावर आई एक्स देखें तो क्या जाएगा कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो देखिए कॉस एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स के स्थान पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये कॉस एक्स है ये वाला, इस कॉस एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका ई टू द पावर आई एक्स, ई टू द पावर आई एक्स, ई टू द पावर आई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एफ ऑफ डी है सॉरी एफ ऑफ डी। ये कर लीजिए, आगे चलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, इतने को सॉल्व करें इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इसको सॉल्व करें, ये हमारा कैसा है फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप क्या, e टू द पावर ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन अपॉन एफ ऑफ डी। इसमें क्या करते थे हम e टू द पावर ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन अपॉन एफ ऑफ डी, डी को रिप्लेस कर देते थे डी प्लस ए से। तो यहां पर डी को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या डी फोर प्लस डी फोर प्लस टू डी स्क्वायर प्लस वन डी फोर, डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए से, ए क्या है आई, डी प्लस आई से रिप्लेस करा स्क्वायर प्लस टू डी प्लस आई स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर। ये अभी हमने स्टूडेंट्स देखे डी प्लस आई होल स्क्वायर, होल फोर है होल फोर, डी प्लस आई फोर को कैसे रिप्लेस कर लें, कैसे सॉल्व कर लें। देखिए डी की पावर फोर आई की पावर जीरो प्लस, ये मेथड बता रहा हूं ट्रिक लिखने का, देखिए डी की पावर एक कम
4 से कम 3, और यहां देखिए कोफिशिएंट है 1, 1 की इससे मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 4, कौन सी टर्म है ये फर्स्ट टर्म 1, कितना आया 4 यहां लिख दें डी क्यू, और आई की पावर 1 इंक्रीज करते हैं, इसकी पावर इंक्रीज करते हैं प्लस 4 की और 3 की मल्टीप्लाई, 4 की 3 की मल्टीप्लीकेशन कौन सी टर्म है ये सेकेंड 2 से डिवाइड 12 अपॉन 2 6, डी की पावर 1 कम कर दें 2, आई की पावर बढ़ा दें। अब यहां पर इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करें 6 इंटू 2 अपॉन कौन सी टर्म है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 3 से डिवाइड कर दें, क्या आएगा हमारे पास में 12 अपॉन 3 4 डी की पावर 1 स्क्वायर 1 कम और कर दिया आई क्यू। आगे पावर 1 है, 1 की 4 से मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 1 कौन सी टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में 1 आया, 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे 1 आया। डी की पावर 0 आई टू पावर 4, ये इसे और आगे सिंप्लीफाई कर ले तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास में बन जाएगा आई टू पावर 0 विल बी आई टू पावर 0 किसी पावर 0 क्या होता है 1 होता है तो डी 4 हो गया डी क्यू 4 डी क्यू आई आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 6 डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई क्यू, आई क्यू को क्या ले सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू आई तो माइनस आई, आई क्यू की वैल्यू हो गई माइनस आई 4 डी आई 4 डी आई और डी की पावर 0 1 हो गई आई इस 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 आई स्क्वायर की वैल्यू और ये माइनस 1 तो प्लस 1 हो गई प्लस 1 तो ये आया फॉर्मूला, ये लिख देते हैं क्या आया ये तो क्या लिखेंगे देखिए यहां अलग लिख देता हूं डी 4 प्लस 4 डी क्यू आई माइनस 6 डी स्क्वायर माइनस 4 डी आई प्लस 1 ये पुट कर देखिए इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स 1 अपॉन ये फॉर्मूला आया डी 4 प्लस 4 डी क्यू आई माइनस 6 डी स्क्वायर माइनस 6 डी स्क्वायर माइनस 4 डी आई माइनस 4 डी आई प्लस 1 इंटू एक्स क्यू ये अभी और रह गया प्लस ये रह गया ये है देखा डी प्लस आई टू की पावर 4 को लिखा ये रह गई देखिए 2 ये और d प्लस आई होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 डी आई प्लस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दें माइनस 1 माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2d² प्लस 2d² प्लस 4di माइनस 2 माइनस 2 ये लिख दिया इसको प्लस 1 आगे सॉल्व करते हैं देखिए स्टूडेंट्स ये 1 और ये 1 इसे कैंसिल कर दिया और कोई कैंसिल कर रहा है किसी को देखिए 4di प्लस का ये 4di माइनस को कैंसिल कर रहा तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इक्वल टू
imaginary part of imaginary part of e to the power ix. Yeah, students, 1 upon d4 plus 4dqi minus, ये देखें, 6d square minus 6d square, और ये देखें, plus 2d square minus 4d square minus 4d square, ये माइनस 16 स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर, ये लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, और बाकी चीज़ें क्या होंगे, कैंसिल होंगे, एक्स टू द पावर एन। आगे सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ यू टू द पावर आई एक्स, यहाँ क्या करें स्टूडेंट्स, माइनस 4d स्क्वायर कॉमन ले लें, ये 1 बचेगा प्लस का, और यहां d4 है, d स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, 4 अपॉन 4 बना लूं, 4d स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर बचा, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया तो अपोजिट साइन बचेगा, माइनस 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर, इसमें से 4 डी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो प्लस का डी आई बचा, x टू द पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को रफ ये देता हूं, आवश्यकता खत्म हो गई, और देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का आगे का पार्ट सॉल्व करता हूं, रूल फोर्थ पर, रूल फिफ्थ पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स, इसमें स्टूडेंट 1 माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, डी आई 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर प्लस का बचा, और ये माइनस का बचेगा, माइनस डी आई। और इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, और ये 1 अपॉन माइनस 4d एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन माइनस 4d स्क्वायर, यहां स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूं, 1 माइनस 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर माइनस डी आई होल पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये आया। अब इसे आगे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, किस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे देखें बच्चों, सही चल रहा है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 अप टू आगे, तो लिखते हैं आगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ
e to the power ix into 1 upon minus 4d square. यहां देखें स्टूडेंट्स, इसे पूरे को x मान ले, 1 प्लस x, x है ये 1 upon 4 d square minus di प्लस x square, मतलब इसका स्क्वायर 1 upon 4 d square minus di square प्लस डैश 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 x टू पावर n, x पावर 2 चल रहा है इसमें, x टू पावर 2 ये। अब इसे हटा देता हूं, इसकी भी आवश्यकता खत्म, फालतू का स्पेस ले रहा है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की आवश्यकता होगी, इसे ले। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power ix, और ये 1 upon minus 4d square, इसे और एक्सपेंड करते हैं, 1 plus 1 upon 4 d square minus di plus 1 upon 16d4 plus d square i square, d square i square, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल, 2 1 upon 4 d square into di का डबल, किस साइन के साथ में, माइनस साइन के साथ में, माइनस, तो क्या हो जाएगा ये, चलो ऐसे लेते हैं, 2 into 1 upon 4 d square into di plus dot 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 plus x square, इसे भी हटा देता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ e to the power ix into 1 upon minus 4d square, इसे देखते हैं, इसे x square की मल्टीप्लीकेशन की, x square प्लस, यहां देखें 1 upon 4 d square x square minus dx square i, या i x square plus 1 upon 16 d4 x square plus, या i square की वैल्यू माइनस 1 पुट कर देंगे तो माइनस d square x square प्लस माइनस 1 अपॉन 2 डी क्यूब एक्स स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर, आगे देखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू पावर आई एक्स इंटू डी स्क्वायर, ये देखें एक्स स्क्वायर, यहां देखिए 1 अपॉन 4 पहले डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लें डी डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स स्क्वायर मतलब 2x, और फिर डिफरेंशिएशन इसका 2 ही रह गया, तो क्या आया हमारे पास में इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2xi प्लस, ये हमारे पास में d स्क्वायर x स्क्वायर d4 x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यह हुआ डी स्क्वायर एक्स क्या आया, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आया 2, और 2 का डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे तो एक बार में ही 0 आएगा। यहां पर ये 0, ये माइनस 2 और ये भी 0, तो ये 0, आगे के सब 0 प्लस 0, ये इस तरीके से 0 हो जाएगा। तो आगे के डिफरेंशिएशन सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू पावर आई एक्स इंटू 1/-4d2, यहां लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 -2xi -2, ये बचा। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स इंटू 1/4d, और एक d 1/d अंदर ले जाता हूं, 1/d एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 -1/d 2xi -1/d 2। इसमें क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू पावर आई एक्स इंटू 1/-4d, ये देखें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 1/2 x इंटीग्रेशन माइनस 1/ ये स्टूडेंट्स (1/d)x²(1/d)(2xi)(1/d)(1/2) x का इंटीग्रेशन x²/2 i इज इट रहेगा 2i माइनस 2x। आगे चलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स इंटू 1/-4 और x³/3 का इंटीग्रेशन x²/4, क्योंकि 1/d मैं अंदर ले गया और 1/d मीन्स है इंटीग्रेशन, तो सबका इंटीग्रेशन 1/3 x²/4 प्लस 1/2 x²/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल माइनस x³/3i - 2x²/2, ये इंटीग्रेशन आया। अब इसे रख के देता हूं, काम खत्म हो गया इसका, आगे चलता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ
imaginary part of e to the power ix, को लिख देता हूं cos x प्लस i sin x। और स्टूडेंट्स एक गलती होती हुई चली आ रही है इस क्वेश्चन में, वो आपको सही करनी होगी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास में क्या था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स था, यही पार्ट था एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो सब जगह क्या लिया जाएगा, रियल पार्ट लिया जाएगा, रियल पार्ट, रियल पार्ट। और तो प्लीज इस चीज को माइंड ना कीजिएगा, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। तो सब जगह आप क्या लिखेंगे, जहां जहां रियल पार्ट लिखा हुआ है, जहां जहां इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखिएगा, रियल पार्ट ऑफ, क्या लिख देना है, रियल पार्ट। अब तो जो मैं हटा चुका हूं उसे तो मैं नहीं ले सकता, आप लोगों को सही कर लेना है, रियल पार्ट ऑफ दिस। अभी मुझे याद आ गया, नहीं तो मुझे याद नहीं आता तो ऐसा ही चलता रहता और फाइनली मिस्टेक हो जाती। तो चलो देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग सही कर लेंगे। सारा जहां इमेजिनरी पार्ट लिखता हुआ आ रहा हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल में, वहां पर आपको रियल पार्ट ऑफ लिखना है, कॉस आई एक्स। और ये वन अपॉन फोर, वन अपॉन माइनस फोर, ये लिख लिया, e की पावर आई एक्स की जगह ये लिख लिया। इसे अंदर देखें, वन अपॉन ट्वेल्व, वन अपॉन ट्वेल्व एक्स फोर, ये लिख लिया। और इसे देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर है ये, फोर एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। इसे और इसे सिंपलीफाई करिए, माइनस वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब आई, ये लिख लिया। और यहां पर ब्रैकेट से क्लोज कर, देखिए आगे चलते हैं। अब मैं रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट ऑफ ये, देखिए रियल पार्ट कहां कहां मिलेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे अपने से, वन अपॉन ट्वेल्व एक्स द्वार फोर माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स से करेंगे, ये रियल पार्ट मिला, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे। और जब इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे स्टूडेंट, तो आई की मल्टीप्लीकेशन आई से आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस लेना, प्लस वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब साइन एक्स, ये रियल पार्ट हो गया। इस रियल पार्ट को एक ब्रेकेट में, प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट देखिए इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, और आई कॉमन ले लू, वन अपॉन ट्वेल्व एक्स फोर माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर साइन एक्स,
आई यहाँ लिख लिया मैंने, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, माइनस वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये आया स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट, और रियल पार्ट है सिर्फ ये, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे, तो माइनस वन अपॉन फोर वन अपॉन ट्वेल्व एक्स फोर माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये हो गया हमारे पास में वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब साइन एक्स, ये हो गया। तो इसे देख लेते हैं चेक करके कि कोई एरर तो नहीं आई है स्टूडेंट्स। वन अपॉन कॉस एक्स 48 ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ये और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे ये रही, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे जब करेंगे तो ये माइनस आ रहा है, माइनस और आई की मल्टीप्लिकेशन करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होगी, माइनस प्लस हो गया वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब साइन एक्स। ये आया सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स, सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस माइनस वन अपॉन फोर वन अपॉन ट्वेल्व एक्स फोर माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब साइन एक्स। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कहीं नहीं अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में माइन्यूट सी एरर हो तो देख लीजिएगा, और वे ऑफ सॉल्विंग यही रहेगा क्वेश्चन का। इमेजिनरी पार्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के बाद में इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिखता आ रहा हूँ, वहाँ पर आपको रियल पार्ट ऑफ कर देना है और रियल पार्ट ही इक्वेट करना है, क्योंकि कॉस एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है तो रियल पार्ट से ही मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।